देश में कोई भी सत्ता होती है तो उसकी कीमत हमेशा आम आदमी को चुकानी पड़ती है। सत्ता बरकरार रहती है तो भी उसकी एक कीमत होती है जो आम आदमी चुकाता है। सत्ता बदलती है तो भी उसकी एक कीमत होती है जो एक आम आदमी चुकाता है। आज से 7 साल पहले एक ऐसी सत्ता बदली थी और मनमोहन सिंह को हटाकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। उनको प्रधानमंत्री बने 7 साल का वक्त बीत गया है, 7 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, और इन 7 सालों के में जो भी चीज़ें हुई हैं उनका एक जीवंत दस्तावेज है एक किताब जो इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसका नाम है प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स, जिसको लिखा है आकार पटेल ने। आकार पटेल सीनियर कॉलमिस्ट हैं, राजनीति पर लगातार वो लिखते रहते हैं गुजराती और अंग्रेज़ी के अखबारों में। इसके अलावा सादत हसन मंटो पे उनका बहुत ही अच्छा काम है अंग्रेज़ी में, जिसको पढ़ा जाना चाहिए। बाकी ये किताब के लेखक आकार पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं, इंटरव्यू में जुड़ रहे हैं, और हम उनसे इस किताब के बारे में बात करेंगे और इस किताब के बहाने पिछले 7 साल के जो भी घटनाएं हैं उनको इतिहास के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने दर्ज किया है उस पर बात करेंगे, उस पूरे प्रोसेस पर बात करेंगे। तो शुक्रिया आकार वक्त देने के लिए हमें। आकार, बात शुरू यहाँ से करें क्या कि जो ये किताब है और इसका मैं कवर जो देख पा रहा हूँ, तो अभी तक हमने जितनी भी किताबें देखी हैं या किताबें हम देखते आए हैं उसमें एक चीज़ होती है कि या तो जिसके ऊपर किताब है उसकी तस्वीर होती है, कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, या तो फिर लेखक की एक तस्वीर होती है और एक जो उसका नायक है उसकी तस्वीर होती है। आपने 16 फ्रंट पे और 16 बैक पेज पे इंडेक्स लगा रखे हैं और उसमें अलग अलग तरह की चीजें हैं, ये आइडिया कैसे आया आपके पास? देखें, ऐसे 53 इंडेक्स हैं जहां पर 2014 के बाद भारत जो है गिरा है, और ये आंकड़े हमें आते हैं जो कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिस्ट, इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में जहां पर मोदी जी जाते रहते हैं, ये आंकड़े वहां से आते हैं और ये कहते हैं हमें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि शिक्षा है, जैसे कि स्वास्थ्य है, जैसे कि इकोनॉमी है, नौकरियां हैं, विमेन सेफ्टी है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर भारत 2014 के मुकाबले में गिरा है। और ये ऐसे आंकड़े हैं जो बाहर से आते हैं, जो पूरे विश्व को देखते हैं, और मुझे ये लगा कि ये मुनासिब होगा उन लोगों को दिखाने के लिए जो शायद ये किताब ना पढ़ें या ना खरीदें, उनको एक दृश्य में दिखाया जाए कि भारत 2014 के मुकाबले में आज कहां पर है। मैंने ये जो 32 इंडेक्स देखे हैं आपकी इस किताब में, 16 फ्रंट पे और 16 बैक पे, इन दोनों में ही जो निशान हैं, जो कर्व हैं, बिल्कुल ही नीचे की तरह जाते हुए दिख रहे हैं। और आपने इसमें जिक्र भी किया है डेमोक्रेसी इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इंडिविजुअल राइट है, रूल ऑफ द लॉ, इस तरह से करके 32 इंडेक्स आपने बनाए हैं। बाकी ये पूरी किताब 13 चैप्टर में आपने लिखी हुई है। मैंने तो किताब पढ़ी है, मुझे बहुत ही मज़ा आया है और मुझे लगता है कि जो 7 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम है उसको आपने बहुत सलीके से लिख के रखा है, बहुत सलीके से इसको दस्तावेजीकरण किया है इसका। लेकिन एक आम आदमी को समझने के लिए, एक आम आदमी कैसे इस किताब को समझे, उसके लिए आपकी कुछ सलाह होगी क्या कि हम इस किताब को कैसे समझें? क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, चीज़ें खोज लेते हैं, लेकिन एक आम आदमी को ये किताब क्यों ही पढ़नी चाहिए? देखें, ये ज़रूरी नहीं कि कोई ये किताब को या तो खरीदे या तो पढ़े, लेकिन कुछ आम मुद्दों को हमें जानना होगा। एक तो ये कि 2013-14 के मुकाबले में आज 5 करोड़ कम भारतीय काम पर हैं, तो 13 करोड़ और लोग आए हैं वर्कफोर्स में, लेकिन 5 करोड़ कम लोग आज काम पर हैं। दूसरा ये कि इसके ये आंकड़ा जो है, जो वर्क जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का है, उसको हमें दिखाना होगा इस जरिए से कि अमेरिका में ये 60% है आज, चीन में आज लगभग 75% है, वियतनाम में भी आज, भारत में 40% है।
तो जबकि 2018 के बाद हमको अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड दिखाना था, जिसके मायने ये कि ज्यादातर तादाद पॉपुलेशन में उन लोगों की है जो 15 साल से ज्यादा आयु की हो और जो काम कर सके, तो अब या तो काम कर सके या तो अब काम ढूंढ रहे हो, उसमें 5 करोड़ लोग कम हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि मनरेगा जो है वो 2014 के मुकाबले में आज 4 गुना ज्यादा है। तो ये वो एक स्कीम है जिसको मोदी सरकार हटाना चाहती थी ये कहकर कि हम अच्छी नौकरियां लाएंगे, लेकिन जो 34,000 करोड़ रुपया था स्कीम का 2014 में, पिछले साल 1,11,000 करोड़ हो चुका है। आज जो पहले 7 महीने हैं अक्टूबर के एंड तक, उसमें पैसा खत्म हो चुका है। लोग नौकरियां चाहते हैं लेकिन नौकरियां है नहीं। तीसरी बात ये कि जो भारत का मध्य वर्ग है उसका फैलना बंद हो चुका है, कि जो लोग गाड़ियां लेते थे, जो लोग 2-व्हीलर लेते थे, जो लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज लेते थे 8 मुख्य शहरों में, तो 27 लाख पर गाड़ियों का बिकना स्टैग्नेट हो चुका 2012 में। 2012 में जितनी गाड़ियां बिकी 2012-13 में, उतनी ही गाड़ियां बिकी 2017-18 में, उतनी ही गाड़ियां बिकी पिछले साल, उतनी ही गाड़ियां बिकेगी इस साल भी। 2-व्हीलर में 5 साल में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, 3-व्हीलर में 15 साल में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। जो लोग रिक्शा लेते हैं इस ये मानकर के कोई कोई उनको सहायता मिले, कुछ कुछ मंथली उनको इनकम मिले, 15 साल में 3-व्हीलर का सेल जो है वो स्टैग्नेंट रहा है। तो और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, फ्लैट्स हैं वगैरह, वो 8 मुख्य शहरों में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, जब वहां पर कोई भी बढ़ाव नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में। 3 लाख प्रॉपर्टीज पर ईयर थी 2012 में, 3 लाख प्रॉपर्टीज पर ईयर थी 2019 में, 3 लाख प्रॉपर्टीज पर ईयर थी पिछले साल सिर्फ 1.5 लाख प्रॉपर्टी थी। तो ये मेरा मानना है कि जो भारत की जो इकोनॉमी है वो कुछ वजह से 2013-14 के बाद जो है उसका बढ़ना बंद हो चुका है। इसको कैसे देखें आकार के, आप जो कह रहे हैं, जो आपने डेटा के साथ भी सारी चीज़ें इसमें बताई हैं कि 2013-14 के बाद से कैसे या तो इकोनॉमी गिरी है या फिर स्टेबल की स्थिति में है, इसके लिए क्या सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ही जिम्मेदार माना जाए या कुछ और भी चीजें हैं इसके पीछे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जिसको आप देख पा रहे हैं? देखिए, जब आप कोई वैद्य के पास जाएं तो पहले आप ये बताएं कि कहां दर्द है, कहां कोई कुछ खामी है। अगर आप ये कहें तो वैद्य आपको फिर बता सकते हैं कि शायद डिजीज ये है और ये डिजीज का इलाज ये है। अगर आप ये मान के चलेंगे कुछ के सब कुछ ठीक ही है तो फिर इलाज का फिर ढूंढना ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि भारत जो है 2014 और खास करके 2018 के बाद जबकि इकोनॉमी गिरी है, ये मान के चल रहा है गवर्नमेंट की ओर से कि कुछ खामियां हैं ही नहीं, कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और इसकी वजह से हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये मुसीबत कहां पर है। आप ये मान के चलें कि 2 चीजें जो है सरकार मानती है, एक तो ये कि भारत का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, कि कौन लोग जो हैं 15 की आयु से ज्यादा जो या तो काम कर रहे हैं या तो काम करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से हमारा रेट कम है। दूसरा ये कि बांग्लादेश जो 2014 में भारत से 50% पीछे था पर कैपिटा जीडीपी में, वो आज आगे है। बांग्लादेश का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट भारत से बहुत ही ज्यादा आगे है, और ये हमको समझना होगा कि ये क्यों हुआ। जब तक ये हम अपने आप से सवाल पूछेंगे नहीं कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा कम है कि पाकिस्तान से भी कम है, या जीडीपी बांग्लादेश से कम क्यों हुआ, तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि मुश्किलात क्या है।
आपने इस किताब में जो 13 चैप्टर मैंने देखे हैं, अभी मेरे पास हाथ में वो किताब है भी, ब्रांड वर्सेस प्रोडक्ट से लेकर के और द डेविल्स वर्कशॉप तक, इन 13 चैप्टर में आपको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो खामी दिखी है उसको तो आपने बताया है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, चूँकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगातार आप चीज़ें लिखते भी रहते हैं, इस किताब में आपने उनके 7 साल के काम का ब्यौरा रखा है, एक तरीके से आप कहिए कि ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका वर्क रिकॉर्ड है जो आपने इसमें लिखा है कि 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपके लिए क्या क्या किया है, विज्ञापन से इतर जो फैक्ट हैं वो आपने इसमें बता दिए हैं। लेकिन जब हम 2014 और 2019 की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि 5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार, जहाँ से उनके जो फैसले बड़े डिजास्टर भी साबित हुए थे, खासतौर से नोटबंदी जैसे फैसले, उसके बावजूद 2019 में वोट प्रतिशत भी बढ़ता है, उनकी सीटें भी बढ़ती हैं, और फिर उन सीटों और वोटों के साथ उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये कैसे आता है? मैं इस किताब के इतर भी थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ इस बात को। मैं ये मानता हूँ कि जो नरेंद्र भाई जो हैं भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मैं ये नहीं मानता कि नेहरू जी के बाद और शायद नेहरू जी के मुकाबले में भी कोई ऐसा नेता था भारत में कभी भी जो इतना लोकप्रिय था जितना के मोदी जी हैं। तो ये बिल्कुल ही जाहिर है, हमें किसी भी मापदंड पर आप देखें, या तो वोट शेयर पर देखें, नोटबंदी के कुछ ही हफ्तों बाद जब यूपी में चुनाव हुए, मोदी जी खुद गए वहां पर अपनी छाती ठोक करके कि ये मैंने ठीक किया है, और जो वोट शेयर मिला भाजपा को वहां पर यूपी में वो सबसे ज्यादा था, एक साथ 26% बढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमें बिल्कुल ही मानकर चलना है कि ये बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, हैं और शायद रहेंगे भी, कि वो जो भी करें, जो शायद अर्थशास्त्री या कोई भी और कहे कि ये कोई भूल थी, लोग ये मानते हैं कि मोदी जी एक ऐसा एक ऐसे नेता हैं जो भारत को चला सकते हैं। सवाल ये है कि पिछले, ये हम 8वें साल में हैं, कि जो 8 साल में हुआ है भारत में, काफी डेटा यहाँ पर आ चुका है, तो इन 7.5-8 सालों में जो डेटा आ चुका है उसको देखकर क्या हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी सही थे? मेरी किताब इस डेटा पर है। बिल्कुल, इस डेटा पे, मतलब जो एक लोकप्रियता का पैमाना है वोट शेयर वाला, वो उन्हें प्रधानमंत्री बनाता है, लेकिन एक जो उनके काम करने का पैमाना है डेटा वाला, वो इस किताब में साफ तौर पर रिफ्लेक्ट होता है। मैं जब इस किताब का इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था, शुरुआती कुछ पन्ने पढ़ रहा था, तो उसमें आपने आरएसएस का और मोदी के संबंधों का एक बड़ा अच्छा जिक्र किया है शुरुआत में ही। कैसे देखते हैं आज की तारीख में? क्योंकि जब हम पहले वाजपेयी और आडवाणी के दौर में देखते थे संघ को, और ये पूछा जाता था कि बीजेपी में बड़ा नेता कौन है, तो ये माना जाता था कि संघ जिसको बड़ा नेता कहेगा, बड़ा नेता वो है। तो क्या आप वाजपेयी और आडवाणी के मुकाबले ये मानते हैं कि संघ ने ही मोदी को अपना बड़ा नेता माना है, या मोदी इतने बड़े हो गए हैं कि संघ उनको नेता मानने को मजबूर हो गया है? दोनों चीजें। आपकी जो दूसरी बात है वो ये है कि मोदी जी जो है भागवत जी से सीनियर हैं, कि मोदी जी के जो 3 साल के बाद जो आरएसएस की जो टेस्ट थी वो उन्होंने भागवत जी के पिता जो थे मधुकर राव भागवत, उनके साथ काटी थी, और सीनियोरिटी में मोदी जी आगे हैं। दूसरी बात ये कि ये बहुत ही कठिन होगा कोई आरएसएस सरसंघचालक प्रवक्ता को कहना कि आरएसएस जो है वो बीजेपी को आज चलाता है, क्योंकि मोदी जी की इतनी लोकप्रियता है खास तौर पे आरएसएस के अंदर, कि ये मैं मानता हूं कि ये मुमकिन ही नहीं कि जो वाजपेयी जी के साथ हुआ कि कोई आरएसएस का शख्स जो है वो कहे कि ये मुख नहीं मुखौटा है, ये मोदी जी के साथ हो सके। आरएसएस ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकती आज, जो आरएसएस को लगे कि लोकप्रिय नहीं है, लेकिन अगर मोदी जी जो अड़ जाए उस बात का अपर, तो मेरा ये मानना है कि भाजपा आरएसएस पर हावी रहेगी। अभी तो ये मुझे लगता है कि जाहिर होने ही लगा है कि जो भाजपा है वो आरएसएस पर लगातार हावी हो रही है। तभी तो जो एफडीआई के फैसले, जिसका लगातार संघ विरोध करता रहा है, जो सरकारी संपत्ति को बेच करके पैसे जुटाने की प्रवृत्ति रही है, उसका लगातार संघ विरोध करता रहा है, लेकिन ये सारे फैसले तो एक एक करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार लागू होते गए हैं।
इस किताब को पढ़ते वक्त एक बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई और पूरे देश को उस कैरेक्टर से मुलाकात हुई है, वो है अजीत डोवाल। कैसे देखते हैं उनके काम को इन 7 साल के दौरान? डोवाल साहब की डॉक्ट्रिन ये थी कि भारत की सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी संकट जो है वो आतंकवाद है और उसकी जो जड़ है वो पाकिस्तान है। तो उनकी नेशनल सिक्योरिटी थीसिस जो थी, आप देखें तो आज भारत में 2021 में जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है रावत साहब और जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है नरावने साहब, वो दोनों काउंटर इंसर्जेंसी स्पेशलिस्ट हैं। वो लोग जो इंसर्जेंसी माने जिस चीज को हम आतंकवाद मानते हैं उन पर वो स्पेशलिस्ट हैं। पर हुआ ये है कि पिछले 18 महीनों में जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है वो उल्टी हो चुकी है कि जो जहां पर ज्यादातर फौज की तैनात जो थे वो वेस्टर्न बॉर्डर पर थी, राजस्थान गुजरात पाकिस्तान की ओर, उसको हटाकर हमने उन लोगों को लद्दाख भेजा है। उसकी वजह यह है कि ये बुनियादी तौर पर एक गलत चीज थी जो डोवाल साहब की डॉक्ट्रिन है जो कहती है कि टेररिज्म खास तौर पे पाकिस्तान, खास तौर पे इस्लामिक, खास तौर पे मुसलमानी टेररिज्म एक सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है भारत का। उसको उल्टा करके चीन ने जो किया पिछले साल, उसके बदौल जो हुआ कि भारत ने अपनी पूरी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को अनकहे, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या कोई डॉक्यूमेंट के जरिए नहीं हुआ, ये सिर्फ हुआ इस वजह से कि लद्दाख में हम पर दबाव हो गया। बिल्कुल, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें इन लोगों ने बदल दी हैं। अच्छा, एक चैप्टर आपने मेरे पेशे से जुड़े लोगों के लिए भी लिखा है, द गोदी मीडिया। कैसे देखते हैं साथ, क्या ये इस गोदी मीडिया की बात सिर्फ 7 साल से ही हो रही है या 7 साल से पहले भी जाकर के इस गोदी मीडिया की थोड़ी सी तफ्तीश की जानी चाहिए थी? नहीं, कोई स्ट्रक्चरल बदलाव आए हैं मीडिया में 30 साल पहले के मुकाबले में। पहली बात तो ये कि भारत सरकार जो है वो अपने आप DAVP के जरिए, जो डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी है जिसका बजट 1200 करोड़ रुपया है, और उसके अलावा जो PSUs हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ONGC वगैरह, उसके जरिए 1200 करोड़ रुपये और जो है भारत सरकार तय करती है कि किस मीडिया हाउस को जाए। तो ये 2400 करोड़ रुपये जो है वो भारत सरकार को साउथ एशिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजर बनाती है। तो भारत सरकार के पास ये दबाव है, कमर्शियल दबाव है, कि वो किन लोगों को पैसा दे, किन लोगों को पैसा ना दे। दूसरा दबाव का जरिया ये है कि वो किन लोगों को लाइसेंस, TV का लाइसेंस दे या ना दे। ये बिल्कुल ही सही है कि ये दबाव और ये पैसा पहले भी था, मनमोहन सिंह के पास भी था, राजीव गांधी के पास भी था, इंदिरा जी के पास भी था, वाजपेयी जी के पास भी था, लेकिन ये इतना पैसा नहीं था। आज जो हुआ है वो एक श्रिंकिंग इकोनॉमी में, जब आपकी जो मईशत है, आपकी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी है, वो घट रही है 2019 के मुकाबले में, उस इकोनॉमी पर जो दबाव मीडिया पर भारत सरकार डाल सकती है वो अभूतपूर्व है। और ये पहले कभी नहीं हुआ कि इकोनॉमी में मीडिया की साइज बढ़ नहीं रही हो, कि दोनों प्रिंट और TV जो है वो अपना शेयर लूज कर रहे हैं डिजिटल के मुकाबले में, और डिजिटल ज्यादातर है फेसबुक और गूगल। तो बहुत ही कम, आज आप देखें तो फेसबुक के रिजल्ट्स जो पिछले हफ्ते आए थे, हमें कहते हैं कि फेसबुक आज BCCL जो बेनेट कोलमैन कंपनी है जो टाइम्स ऑफ इंडिया को ओन करती है, इकोनॉमिक टाइम्स को, उससे बड़ी है आज फेसबुक। तो फेसबुक आज भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है। हमें ये देखना होगा कि इस टाइप के एनवायरनमेंट में सरकार क्या कर सकती है। और मेरा ये मानना है कि पत्रकारों पर, खास तौर पर टीवी के पत्रकारों पर बहुत ज्यादा दबाव है कि वो एक टाइप की न्यूज रिले करें। मैं यही जरा आकार समझना चाहता था आपसे कि ये जो दबाव है कि एक टाइप की न्यूज रिले करें और जिसका आरोप बार बार हम जैसे लोगों पर लगता भी रहता है, ये 2004 से 2014 के बीच क्यों नहीं दिख रहा था? क्या सिर्फ इसकी वजह सिर्फ पैसा था या इसकी कोई एक दूसरी वजह भी थी कि जो पॉलिटिकल इंक्लाइन होते हैं
जर्नलिस्ट वो वजह थी या सिर्फ पैसा पैसा था? नहीं, मैं नहीं मानता कि सिर्फ पैसा था। 2004 के पहले भी ये दिखता था उन जगहों पर जहां पर फॉर्मल मीडिया नहीं था। फॉर्मल मीडिया के मायने वो पत्रकार, वो अखबार, वो चैनल जहां पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट था। बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जहां पर ये नहीं दिखता था और ये नहीं दिखता है। ये भी हमें मानना होगा कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर ये दबाव दिखता नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर ये दबाव दिखता है लेकिन जहां के पत्रकार रिजिस्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही सही है। ये मैं नहीं मानता कि ये मोदी जी की अधीन है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहले से है। मैं जब एक गुजराती अखबार में पत्रकार था तब एक बजट हुआ करता था कि पॉलिटिशियंस इलेक्शंस के लिए कितने पन्ने और कितने पैसे दिए जाएं, और ये उस अखबार के इकोनॉमी का भाग था। ये बिल्कुल ही नई बात नहीं है। लेकिन मोदी जी जानते हैं कि डंडा और कैरेट किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि जो लोग उनसे पहले थे वो नहीं जानते थे। मोदी जी बिल्कुल ही जानते हैं कि किस तरीके से पत्रकारों को, चैनलों को लाइन में रखा जाए, और वो लाइन में रखते हैं उनको। और इस वक्त इस तरीके से ये गोदी मीडिया पैदा होता है। मुस्लिम्स के बारे में क्या ख्याल है आकार? आपने किताब देखी है? चूंकि मैं किताब पे बात बार बार कर रहा हूँ, किताब चूंकि फैक्ट से बहुत ज़्यादा भरी हुई है तो मुझे लगता है कि दर्शक इसको पढ़ें और अपने तय समझें तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी। मैं चैप्टर वाइज बस सिर्फ आपसे एक मोटा मोटी इसका रिकैप लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकें, समझ सकें कि इस किताब में अंदर है क्या, क्योंकि ये किताब जो है वो कम से कम 400 पन्ने की है, 488 पन्ने की है, तो वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन मैं चैप्टर वाइज जरा आपसे समझने की और दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस किताब के अंदर भरा क्या है, इस किताब के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको एक बार शुरू करेंगे तो ख़त्म करने को मजबूर करेगी। बैड मुस्लिम्स नाम से एक चैप्टर है, इसमें क्या है कहानी इस चैप्टर की? बैड मुस्लिम्स के का जो प्राइमरी फिगर ये है कि 2015 के पहले जिस चीज़ को हम बीफ लिंचिंग के नाम से जानते थे वो मौजूद नहीं थी। जैसा ही 2015 में महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसे कानून पास किए कि जो कहते थे कि आपके पास कोई गोश्त हो और सरकार आप पे ये आरोप लगाए कि ये गोश्त बीफ है, आपको ये साबित करना होगा कि ये गोश्त बीफ नहीं है। बिल्कुल। और उससे हुआ ये कि एक केस हुआ 2019 में गुजरात में, एक शख्स जो मुसलमान था उस पर आरोप लगाया गया कि आपकी बेटी की शादी में जो बिरयानी आपने दी थी उस बिरयानी में जो गोश्त था वो बीफ था। वो आदमी साबित नहीं कर पाया कि वो बीफ था। सरकार ने कोशिश की, सरकार ने ये कहा कि हम ये नहीं कह पाते कि ये बीफ है या नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि अगर सरकार ये नहीं तय कर पाती कि ये बीफ नहीं, आपको ये साबित करना होगा कि ये बीफ है या नहीं है, जो गोश्त आपने खाया था कुछ हफ्तों पहले। जब वो शख्स ये साबित नहीं कर पाया उसको 10 साल की सजा दी। इस सजा को हाईकोर्ट ने अपटर्न कर दिया। लेकिन हमको देखना ये है कि दोनों बीफ में और लव जिहाद में, जो के हिंदू और मुसलमानों की शादी को बैन करता है, उनमें बर्डन ऑफ प्रूफ को रिवर्स कर दिया है। एक औरत जो के अडल्ट हो, उसकी टेस्टिमनी को सरकार बात का अप्रूव नहीं मानती कि उसका कन्वर्जन जो है वो वैलिड है। उसके शौहर और उसके शौहर के फैमिली को ये साबित करना होगा कि उन्होंने कोई कोवर्जन नहीं किया। तो भारत ये कुछ हरकतें कर रहा है जो पाकिस्तान जो है 30 साल पहले करता आया है। तानाशाही के दौर में पाकिस्तान में ये सारी चीजें होती रही हैं लगातार। तानाशाही का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन धर्म निरपेक्ष की जो 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 का जो दावा है हमारा, वो जो नए कानून हैं भाजपा के अंदर, खास तौर पर भाजपा स्टेट्स में 2014 के बाद, ये बताते कि ये सही नहीं है। आकार, ये किताब जो आप बताती है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में जितने भी बड़े फैसले किए हैं उनसे वो कभी पीछे नहीं हटे हैं, चाहे उसका विरोध कितना भी रहा हो,
इस किताब के इतर ये जो तीन किसान कानूनों को वापस लेने का फैसला किया मोदी सरकार ने, ये पहला ऐसा कानून था, ये पहला ऐसी बड़ी बात थी जिसमें मोदी सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं, इस किताब से इतर हटके थोड़ा? ये पहला कदम नहीं है। मैं मानता हूँ कि चार ऐसी चीजें हैं। एक तो जो शाहीनबाग की जो प्रोटेस्ट थी जिसके बाद सीएए को शेल्फ किया गया, सीएए को दो साल पहले दिसंबर 11 या 12 को पास किया गया, और पर लेकिन आज भी वो जमीनी तौर पर ये कानून लागू नहीं हो पाया। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ, जैसे उन्होंने ऑफिशियली उसको रिवोक नहीं किया, किसान कानून को तो रिवोक कर लिया उन्होंने। कोई चीजें ऐसी हैं जहां पर मैं आपसे डर जाऊं और मैं पीछे हट जाऊं, कोई चीजें ऐसी हैं जहां पर मैं आपको नमन कर दूं। ये शाहीनबाग की चीज ऐसी है जहां पर मैं आपसे डर गया हूं, मैं आपसे हट गया हूं, लेकिन मैंने आपको नमन नहीं किया। फार्मर्स लॉ की चीज ऐसी है जहां पर मैं डर गया हूं, हट गया हूं, मैंने आपको नमन कर दिया है कि ये मैं खींच रहा हूं पीछे। लेकिन फर्क कोई ज्यादा नहीं है दोनों में। दोनों ही कानून जो हैं, तीनों ही जो है कानून फार्म लॉस के चाहिए के लागू हो नहीं रहे हैं। तो कुछ अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन जहां पर लोग डट जाएं, भारतीय लोग जहां पर डट जाएं एक झुंड में, एक तादाद में, तो ये सरकार पीछे हट जाती है। मतलब इस सरकार, चूंकि मैं बार बार इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इस सरकार के बारे में एक लगातार परसेप्शन बनाया गया था कि सरकार पीछे नहीं हटती है। राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं। मतलब एक तरीके से इस सरकार को ऐसा बना दिया गया था, लार्जर देन लाइफ छवि बना दी गई थी कि इसमें कुछ बदलता ही नहीं है। जो एक बार फैसला ले लिया जाता है उससे तो पीछे हटने का कोई सवाल होता ही नहीं है। और फिर जब चुनाव आते हैं पांच राज्यों के, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, उत्तराखंड का हो, गोवा हो और मणिपुर हो, इन चुनावों को देखते हुए सरकार एक ऐसा फैसला वापस ले लेती है जिसको लेकर के पिछले एक साल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे होते हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो सफल हो और जिस जहां पर जो गुजराती स्वभाव हो अमित शाह जी का, मोदी जी का, वो जहां पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। लेकिन ये हमको मानकर चलना होगा कि जहां आरएसएस बीजेपी कोई निर्णय तय करती है वो वहां पर डट जाती है और वहां से वो उखड़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये उनकी मान्यता है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप को आइडियोलॉजिकल समझती है, जो मानती है कि वो जो कहती है, वो जो मानती है, उसको लागू होना है। तो ऐसी पार्टी में पीछे हट करना एक बहुत ही बड़ी चीज है। मैं ये मानता हूं कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आरएसएस बीजेपी में कोई सोच विचार नहीं हुआ है, जैसे कि सिटीजनशिप का मुद्दा है, जैसे कि फार्म लॉस का मुद्दा है, क्योंकि भाजपा मोदी जी के अंदर इतनी बड़ी हो चुकी है कि उनको संपर्क करना, कोई डिस्कशन करना आरएसएस जरूरी नहीं लगता है। जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि 303 सीट के साथ, इतनी लोकप्रियता के साथ, जहां पर जाए दुनिया में मोदी 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 होता है, ये लगता नहीं है कि नागपुर का कोई थम्स अप चाहिए उनको। पर उसकी वजह से ये हुआ ये है कि जहां पर कोई दबाव आया है सरकार पर सिविल सोसाइटी से, या तो शाहीनबाग हो, या तो पाथलगढ़ी हो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, या तो ऊना हो गुजरात में, या तो वो फिर फार्मर्स लॉ हो सिंगू और टिकड़ी में, सरकार को पीछे हट करनी पड़ी है। और ये समझना होगा इनको कि 300 सीट के बावजूद, राजीव गांधी के पास 400 सीट थी, लेकिन 415 सीटें थी उनके पास। तो बिल्कुल आज 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 हम उनको देखें तो लगता है कि वो लाचार थे। तो कोई भी शख्स जो हिंदुस्तान के कब्जे में हो उसको मानना होगा, ये देखना होगा कि कैसे बहुत सारे प्रांत, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे दीन के लोग को साथ साथ में लेकर कैसे चला जाए। कि हमारी बातचीत थोड़ी लंबी भी हो रही है, तो एक मैं जो इसमें चैप्टर है ना ट्रांसपेरेंसी, इस पर मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ही एक बड़ा प्रॉमिस था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। इस पर कुछ काम हुआ है क्या? मैंने डेटा देखा है, मैंने आपकी किताब पढ़ी है, तो मुझे तो आइडिया है कि कितना काम हुआ है, लोगों को भी आइडिया है कि कितना काम हुआ है, लेकिन ज़रा आप इस पर
हाँ नजर डालें तो बेहतर होगा। बिल्कुल, भारत की गणतंत्र पे एक मुश्किल बात ये होगी आज और माजी में आज और आगे भी कि ये जो जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है जिसको 15 दिन दिए गए हैं तो और उसका मतलब क्या है कि कोई शख्स अपनी बैंक से चेक से या डिमांड ड्राफ्ट से 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट खरीदे किसी पार्टी के लिए नहीं, वो ब्लैंक चेक है, वो शख्स 15 दिन के अंदर किसी और को दे दे, या वो चीन की सरकार हो, पाकिस्तान की सरकार हो, या कोई और भी हो, कोई कंपनी हो, उसको दे दे, वो कंपनी उसके लिए उसको पैसा दे दे, वो कंपनी फिर वो पार्टी को वो बॉन्ड दे दे, तो ये वाजबी है यहाँ पर, ये लीगल है भारत में। और RBI ने इसके खिलाफ और ECI ने, इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ कुछ मुद्दे उठाए थे जिनको नजरअंदाज किया गया, पर आज ये हशर है भारत की गणतंत्र का कि कोई भी उसे खरीद सकता है, कि कोई भी जितने भी करोड़ रुपए, जितने भी 1000 करोड़ रुपए चाहे उसके बॉन्ड किसी और को खरीद कर खुद लेकर कोई पार्टी को दे सकता है, या वो कोई विदेशी सरकार हो या कोई दुश्मन हो हमारे या कोई जो भी हो, और वो ये कर सकता ही, ये हुआ है बॉन्ड्स के आने के बाद। तो ये हमें बिल्कुल ही सावधान होना होगा एक देश के तरीके से, जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स, न्यूज़पेपर्स, चैनल्स के तरीके से, वोटर के तरीके से और पार्टीज के तरीके से, कि इसको कैसे फिर एक ऐसा टाइम लाना है जहां पर बॉन्ड्स ना हो। मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने से इनकार कर दिया है कि जो गोगोई साहब थे, जो आज राज्यसभा के सांसद हैं, बिल्कुल उन्होंने इस चीज को वैलिड माना, और जैसा ही के 370 CA वगैरह चीजों को सुनने पे सुप्रीम कोर्ट ने या तो इनकार कर दिया या तो कह दिया कि हम बाद में सुनेंगे, ये बॉन्ड्स को भी उसी जगह में डाल दिया। आकार, जाते जाते मुझे लगता है कि लंबी बातचीत हो गई हमारी, और जाते जाते एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। प्राइस ऑफ द मोदी ईयर 7 साल की जो बात है, उसका आने वाले उत्तर प्रदेश और पंजाब और उत्तराखंड खास तौर से इन 3 राज्यों पर कितना असर पड़ने वाला है? 7 साल में इस देश ने जो प्रधानमंत्री मोदी के रहने की कीमत चुकाई है, उसका उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव पर क्या असर पड़ना है? यूपी में मैं मानता हूं कि चूंकि 2019 में मोदी जी की भाजपा ने 50% के लगभग वोट शेयर पाया था, और जब अखिलेश जी की जब जीत हुई थी 2012 में तब 29% वोट था उनका, तो 20% वोट का फर्क है। मैं ये मानता हूं कि भाजपा चाहे ही कितनी ही अनपॉपुलर आज वहां पर हो, कितने ही वोटर वो खोए, जीत भाजपा की होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं कि उतने लोग उनके साथ हैं यूपी में, कि ये मुश्किल है कहना कि किसी और की वहां पर जीत होगी, क्योंकि 2017 में 40%, 2019 में करीब 50% वोट आते हैं, गिरते गिरते भी कहां जाएंगे। बिल्कुल, ये भाजपा की एक स्ट्रेंथ है, ये मानना चाहिए हमें कि ये मोदी जी का जो करिश्मा है, जो भाजपा की बूथ लेवल पर जो पकड़ है, ये सारी चीजों का ये एक असर है। और मैं बहुत ही सरप्राइज होऊंगा जो यूपी में भाजपा हारेगी। पंजाब में मेरा ये मानना है कि BJP नहीं जीतेगी, क्योंकि जो पिछले 1.5 साल में हुआ है वो ये हमें कहता है कि जो वहाँ पर जो गुस्सा है वो खास तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है, और ये मैं मानता हूँ कि चलता रहेगा। लेकिन 2024 की बात करें तो मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी की लोकप्रियता जारी है उन पार्ट्स में जहाँ पर वो पहले ही लोकप्रिय थे, जैसे कि अर्बन स्पेसेस हैं, अपर कास्ट हैं वगैरह। और मुझे बहुत ही सरप्राइज होगा जो 2024 में मोदी जी हारेंगे। तो ये थे आकार पटेल, जिन्होंने किताब लिखी है प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स,
जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के तमाम फैसलों को डिजास्टर बताते हुए फैक्ट के साथ सारी बातचीत की है। इसके बावजूद उनका मानना है कि आने वाले चुनाव में मोदी का करिश्माई जो नेतृत्व है वो जारी रहेगा और वो लगातार ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। बाकी ये किताब प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स वेस्टर्न प्रकाशन से छपी हुई है, तो आप इसको पढ़िए, आप अपनी राय दीजिए, आप अपने सवाल हमसे पूछिए, हम उसको आकार पटेल तक पहुँचाएँगे और फिर उनसे आपके जवाब लेकर के आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे।